हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, एक ऐसी बातें चल रही हैं मार्केट में कि हिंजौड़ी आईटी पार्क, जो कि एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी पार्क है, वहाँ से 37 कंपनीज जा चुकी हैं बिकॉज ऑफ द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। और ये कितने टाइम स्पेन में हुई हैं कि सच में हिंजौड़ी आईटी पार्क से कंपनीज इतनी नाराज़ हैं इंफ्रा को लेके कि बहुत सारी कंपनीज छोड़ के जा रही हैं। एक्चुअल रियलिटी क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और हिंजेवाड़ी का ओवरऑल अभी इंफ्रा कहाँ तक पहुँचा है, पहले कहाँ तक था और कैसे कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे। और हाँ, अगर आप कुछ लैंड पार्सल देख रहे हैं हिंजेवाड़ी के इन एंड अराउंड फ्रॉम पेरंगो टू कोथरू टू रावेत, या फिर रावेत के सराउंडिंग में, या जो भी हैं, जो पूरा वेस्ट पुणे, वी हैव मल्टीपल लैंड पार्सल अवेलेबल, यू कैन कॉल ऑन द नंबर अवेलेबल। सो चलता हूँ टॉपिक पे आते हैं कि ये 37 कंपनी सच में गई हैं कि नहीं गई हैं, या क्या लाइफ क्या टाइम स्पेंड में गई हैं, और ओवरऑल हिंजवाड़ी का इंफ्रा अभी कहाँ तक है। तो मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे। तो ये दोस्तों न्यूज़ आई है, 37 आईटी कंपनीज लेफ्ट हिंजेवाड़ी आईटी पार्क इन लास्ट 10 ईयर, 10 साल में उन्होंने छोड़े हैं ओइंग द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हिंजेवाड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन हैज़ क्लेम, जो HIA हिंजेवाड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन, उन्होंने ही क्लेम किया है दैट 37 कंपनीज हैव मूव आउट फ्रॉम द हिंजेवाड़ी राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क इन लास्ट 10 ईयर ड्यू टू द डिटोरेटिंग कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक कंजेक्शन इन द लोकलिटी। हाउएवर द महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC लैक प्रेसाइज डाटा ऑन दिस माइग्रेशन। ये दो अथॉरिटीज़ हैं, दोनों के बीच में ही मतलब अलग अलग कहना है। MIDC का कहना है कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। बाकी HIA जो हिंजेवाड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उन्होंने ये क्लेम किया है। हिंजेवाड़ी आईटी पार्क एस्टेब्लिश 25 ईयर, 25 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था। नाउ फेसेस अ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड, हाई रेंट कॉस्ट, लेक ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पाइट डिसेंट एक्सपांशन टू अकोमोडेट 139 कंपनीज। द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ नॉट कैप्ट पेस, द रोड आर नैरो एंड पुअर कंडीशन लीडिंग टू द फ्रिक्वेंट ट्रैफिक जाम। एज पर एज द HIA क्लेम, मेनी कंपनीज आर रिलोकेटिंग टू अदर पार्ट ऑफ स्टेट, इवन आउटसाइड द स्टेट। तो ये सब जो योगेश जोशी हैं, सेक्रेटरी ऑफ HIA हैं, उन्होंने ये कहा है। बट पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ये बात सच नहीं है। हिंजवाड़ी डेवलप्ड हुआ है लास्ट 10 सालों में भी। उसके लिए हम लोग आ जाते हैं ये हिंजवाड़ी के टाइमलेस पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंजवाड़ी में पहले आने वाली थी शुगर फैक्ट्री, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर प्लान चेंज हुए और इन ईयर ऑफ 2000 यहाँ पे आईटी कंपनीज, अर्ली 2000 आईटी कंपनीज आना शुरू हुई और यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुआ और ये इतना बड़ा आईटी पार्क बन गया। आज लाखों लोग काम करते हैं हिंजवाड़ी आईटी पार्क में, एंड हिंजवाड़ी आईटी पार्क इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी पार्क इन द एशिया। तो अभी हम लोग देखते हैं हिंजेवाड़ी, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ हिंजेवाड़ी कैसा दिखता था, ये 2006 का फोटो है। अगर मैं टाइम लैप्स में जाता हूँ कि पिछले 10 साल में, 2006 को तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि इट्स बीन 18 साल हो गए हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 2014 में हिंजेवाड़ी कैसा दिखता था। तो आपने देखा 2006 से लेके 2015 में मेजर डेवलपमेंट हुआ, मतलब एक शेप ले लिया था आज का जो हिंजवाड़ी दिखता है। 2014 तक हिंजवाड़ी ने शेप ले लिया था, आज से 10 साल पहले तक आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो रोड है बन चुका है, मतलब एक शेप में आपको पूरा दिखेगा। इतना क्लियर पिक्चर नहीं आता है गूगल टाइमलेस पे भी, बट आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, एक शेप में आ गया था हिंजवाड़ी। और एक मेजर डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हुआ था 2006 से लेके 2015 तक, मेजर डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद भी डेवलपमेंट हुआ है, बट जो शेप लिया था हिंजेवाड़ी ने 2005 से लेके 2014-15 तक पूरा शेप ले लिया था। उसके बाद अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो शेप के आधार पर ही डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा कि हमें गूगल टाइमलाइन में दिख रहा है। और ये देखिए, ये 87 की ये मैंने फोटोज दिखाई हैं, तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था और पूरा बेयर लैंड था। इनफैक्ट हाईवे वगैरह भी ये आप देखेंगे,
ये 1987, तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और ये पूरा बेयर लैंड था। और फिर ये 91 में भी वाकड़ भी इनफैक्ट पूरा खाली था, और ये 99 का मैंने दिखाया है आपको। और ये देखिए जो कंपनीज आना शुरू हुई हैं, ये 99 से लेके 2005 के बीच में आई हैं। ये जो फिंजवाड़ी फेज़ वन डेवलप्ड हुआ है 2000 से 2005 के बीच में हुआ है, और ये देखिए ये 2012 जो मैं आपको बता रहा था 14-15 तक पूरा शेप ले लिया था हिंजेवाड़ी ने, और वैसा ही हमें दिख रहा है। मेगापोलिस का भी काम शुरू हो गया था तब, 2012 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। और ये देखिए 2010 से लेके 15 तक बहुत रैपिडली चेंज हुआ, और अभी डेवलपमेंट हुआ है। देखिए आप टाइम लैप्स में भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों में भी पॉपुलेशन बढ़ी है, कंपनीज ने और नए नए उनके कैंपसेस बनाए हैं। अगर मैं हिंजेवाड़ी फेज़ 3 की बात करूं तो यहाँ पे बहुत कम कंपनी थी 10 साल पहले। अभी आप ये देख रहे हैं ये TCS की जो भी ये टावर्स बने, ये अभी बने, और टेक महिंद्रा का भी ये नया कैंपस बना है, और भी काफ़ी नए कैंपस आए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 10 साल में ग्रोथ हुई है जितनी होनी चाहिए थी, जो पिछले 10 साल में हुई थी। अगर बात करूँ 2005 से लेके 2015 तक उतनी स्पीड से ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन ग्रोथ हुई है। हाँ, और ये भी मैं डिनाई नहीं करूँगा कि इंफ्रा का प्रॉब्लम हुआ है। और ये भी आप देखोगे, ये भी पूरा कॉरिडोर जो इनसाइड का कॉरिडोर आता है हिंजेवाड़ी फेज़ 3 का, ये भी अभी डेवलप हुआ है 10 साल के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं सिनेक्रॉन, KPIT और ये सारी कंपनीज हैं। तो बाकी बात करते हैं न्यूज़ पे, जो HIA है हिंजेवाड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन का कुछ क्लेम अलग है, और MIDC का क्लेम कुछ अलग है। बाकी अभी दोस्तों आपको भी पता है चुनाव का माहौल था, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। जो उद्धव ठाकरे साहब ने उनको मतलब उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि ये मैं आपको पढ़ के बता दूँ, द फ्रेश पॉलिटिकल स्लगफेस्ट इरप्टेड ऑन द थर्सडे बिटवीन फार्मर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर उदय सावंत ओवर कंपनीज एग्जिटिंग हिंजेवाड़ी IT पार्क इन पुणे। रिपोर्ट निशा, जो ये रिपोर्ट आई हुई है पुणे टाइम्स में, ठाकरे फायर द फर्स्ट सॉल्वो अलेजिंग इन अ सोशल मीडिया पोस्ट दैट 37 फर्म हैड मूव आउट ऑफ हिंजेवाड़ी सिटिंग क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर द एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट हैड नॉट टेकन एनी एक्शन। मतलब उन्होंने डायरेक्ट अभी जो करंट गवर्नमेंट है उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो कोई ऑप्शन एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट द थिंग इज़ ये 37 कंपनीज गई भी हैं तो लास्ट 10 साल में गई हैं, और उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज आई भी हैं, और जो एग्जिस्टेंस कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने ऑफिसेज बड़े किए हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ तो हुई है, लेकिन स्लो ग्रोथ हुई है, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसा अभी पॉलिटिक्स की चीज़ें चल रही हैं, कुछ पॉलिटिक्स वाले आरोप लगा रहे हैं, बट ये अभी की गवर्नमेंट में नहीं, पिछली गवर्नमेंट से ही पूरा डाटा है, जो HIA का डाटा है कि 10 साल अ लॉट ऑफ कंपनीज फ्रॉम हिंजेवाड़ी IT पार्क एशियाज लार्जेस्ट IT हब आर रिलोकेटिंग ड्यू टू द पुअर, वही न्यूज दी हुई है यहां पे भी। अभी जो इस एरिए की MP है सुप्रिया सुले जी, उनका क्या कहना है, विल ट्राई टू कन्विंस IT फर्म इन हिंजेवाड़ी टू स्टे बैक। जो सुप्रिया सुले जी है यहाँ की MP है, उनका ये स्टेटमेंट, सुप्रिया सुले सेड दैट शी विल ट्राई टू कन्विंस द कंपनीज लीविंग द हिंजेवाड़ी IT पार्क टू स्टे बैक आफ्टर विनिंग द बारामती लोकसभा सीट फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम। अभी जो जीत हासिल हुई उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। शी सेड द शी वुड बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम द मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर, जो ये एसोसिएशन है MCCIA, टू होल्ड मीटिंग विद दिस फर्म टू अश्योर देम दैट देयर नीड्स विल बी फुलफिल एट द IT पार्क। मतलब ये कोई भी कंपनी आगे से छोड़ के नहीं जाए, ऐसा ये एक्शन लेने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा है। आई हैव रिक्वेस्टेड शरद पवार साहेब टू टेक अ लीड इन इनवाइटिंग ऑल द कंपनीज ऑफ पुणे फॉर अ जम्बो मीटिंग। वी विल टेकिंग हेल्प ऑफ MCCIA इन होल्डिंग टू गिव द फर्म कॉन्फिडेंस टू कीप द इन्वेस्टिंग इन पुणे। तो ऐसे ये एफर्ट्स लेने वाली हैं, मीटिंग्स भी, जम्बो मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करने वाली हैं कि कोई भी कंपनी यहाँ से छोड़ के ना जाए। बट फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, ये हर एरिया में होता है, एक सेचुरेशन पॉइंट आता है। और ओवरऑल पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि
हिंजेवाड़ी हो या फिर और कोई भी आईटी एरिया हो, बेंगलुरु भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन अभी आ रहा है बिकॉज ऑफ द एआई एंड अदर थिंग, वर्क फ्रॉम होम, तो ऑफिसेज फ्यूचर में इतने लगने वाले हैं कि नहीं लगने वाले, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। बट अगर डेवलपमेंट देखें, डेवलपमेंट हुआ है, हाँ थोड़ा स्लो हुआ है बट हुआ है डेवलपमेंट, ऐसा बिल्कुल भी जो जैसा कि मैंने आपको टाइम लैप्स में बताया कि डेवलपमेंट तो हुआ है बट थोड़ा स्लो हुआ है, और अभी का जो हिंजेवाड़ी है कुछ इस तरह से दिखता है। और आपका क्या सोचना है कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, वो कमेंट करके बताइए। बट ओवरऑल अगर देखें, पुणे का मार्केट तो बूम हो रहा है, फ्लैट्स के रेट तो बढ़ रहे हैं और सिटी भी एक्सपेंड हो रहा है, और अभी जो FSI भी बढ़ा दिया है, तो अभी जो नए टावर्स बन रहे हैं 30-40 फ्लोर्स के भी टावर बन रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि देर इज़ अ ग्रोथ, देर इज़ अ पोटेंशियल, बट वी नेवर नो कि कब रिसेशन आ जाए या कब बड़ा सेटबैक आ जाए, बिकॉज IT इंडस्ट्री इट्सेल्फ इज लुकिंग लाइक अ बलून, क्योंकि अभी AI भी आ चुका है और उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, ये सब अपडेट्स थी जो भी अभी हिंजेवाड़ी IT पार्क को लेके मैं आपको दे सकता था। आई होप मैं आपको कुछ इनसाइट दे पाया हूँ। आपका सहयोग बनाए रखें, इसी तरह कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।